सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटी को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल भारतीय बाजार में एक नई एसयूवी कदम रखने वाली है जिसका नाम हाइमा 8X रखा गया है। इसे भारतीय बाजार में ऑटो एक्सपो 2020 फरवरी के दौरान भी पेश किया गया था। हाइमा 8X एसयूवी को कंपनी की एक न्यू मिड साइज एसयूवी है। इसे कई आधुनिक फीचर्स और शानदार डिज़ाइन के साथ भारतीय बाजार में लाया जाएगा। हाइमा 8S के आकार की बात करें तो ये किया सेल्टोस और एमजी हेक्टर के बीच बैठती है। इसमें सामने हिस्से में स्प्लिट हेडलैम्प क्लस्टर दिए गए हैं, जिसमें हेडलाइट को नीचे और एलईडी डीआरएल्स को ऊपर रखा गया है। हाइमा 8S को साइड हिस्से से बेहद साधारण और स्लिक डिज़ाइन दिया गया है। इसमें आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। पिछले हिस्से में एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे से रूफ को थोड़ा झुकाया गया है, जैसा कि आप इसके डिज़ाइन में देख सकते हैं, जिस वजह से यह थोड़ी सी कूपे जैसी एसयूवी डिज़ाइन में लगती है और स्पोर्टी। इस 5 सीटर एसयूवी के आपको 6 सीटर वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे, जो कि इंटीरियर में बड़ा या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डैशबोर्ड पर 5 AC वेंट्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। हाइमा 8S एसयूवी में आपको 1.6 लीटर TGDI इंजन लगाया गया है, जो 190 BHP का पावर और 190 Nm का टॉर्क देगा। इसमें 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी AMT BS6 इंजन के साथ। हाइमा का दावा है कि यह एसयूवी सिर्फ 7 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इस कार के दीवानों के लिए और भी आकर्षित बना देती है। हाइमा 8S कंपनी की एक मिड साइज एसयूवी है। इसे भारतीय बाजार में इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा और ये आम आदमी के लिए एक बेस्ट एसयूवी सेगमेंट रहने वाली है। तो अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, आपको ये नई एसयूवी कैसी लगी, क्या आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। अपनी राय हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए तो बिना लाइक करे मत जाएगा। आज के वीडियो का टारगेट रखते हम 750 लाइक का। जल्दी से 750 लाइक के टारगेट को पूरा करें। आपका एक लाइक चैनल की बहुत मदद करता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना लाइक करें मत जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।